श्रीमंत शंकर देव का जन्म नगांव जिले के बरदौवा में हुआ। जन्म के कुछ समय बाद ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। शंकर देव का लालन पालन उनकी दादी ने किया। वो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने बचपन में ही रामायण, महाभारत और वेदों का गहन अध्ययन कर लिया था। उत्तर पूर्वांचल को हिंदुस्तान के साथ जोड़ करके रखने वाला अगर कोई अहम व्यक्ति है वो तो श्रीमंत शंकरदेव है। श्रीमंत शंकरदेव का जन्म 1449 में हुआ और 119 वर्ष वो जिए। इस बीच में वो दो बार पूरा भारतवर्ष में घूमे। वहाँ के भारत के जो कुछ अच्छाएँ हैं सबको ले आ करके अपना आसाम के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। बड़े होने पर शंकर देव ने लंबे समय तक देश के अलग अलग स्थानों का भ्रमण किया, वहां शास्त्रों का अध्ययन किया और असम लौटकर नव वैष्णव धर्म की नींव रखी। वैष्णव धर्म हिंदू धर्म से निकली एक शाखा है। शंकर देव असमिया संस्कृति की ही पहचान नहीं है, वो उस दौर के जो देश के अलग अलग हिस्सों में निर्गुण पंथी जो लोग थे, चाहे वो कबीर हों, उधर नानक थे, इन सारी चीज़ों, तो उन्होंने पूरे असम में इस तरह की चीज़ों को जगाया, बढ़ाया और असम को एक पहचान दी। श्रीमंत शंकरदेव केवल मनुष्यों में नहीं जीव जंतुओं और प्रकृति के प्रति भी असीम अनुराग रखते थे। उन्होंने असमिया लिपि में ब्रज और मैथिली मिलाकर ब्रजावली भाषा बनाई। उनके द्वारा रचे गए नाम घोषा कीर्तन में ब्रज और मैथिली शब्दों की बहुलता है। कुछ जात पात के भेद नहीं है, सब लोग समान हैं, सब मिलकर के हम मानव समाज हैं और भगवान के हम भक्त हैं। हमको अहिंसा के द्वारा, प्रेम के द्वारा समाज बनाना है और समाज में रहना है। 15वीं शताब्दी में संत श्रीमंत शंकरदेव ने असम में नव वैष्णव विचारधारा वाले सत्रों की नींव रखी, जिसे उनके शिष्य माधव देव ने गति और दिशा दी और बाद में उनके शिष्यों ने सत्रीय परंपरा को आगे बढ़ाया। कालांतर में ये सत्र आस्था, कला, संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुए। श्रीमंत शंकरदेव ने सबसे पहले अपने जन्म स्थान बरदौवा में सत्र की स्थापना की। बाद में उनके शिष्य माधव देव ने बरपेटा सत्र की स्थापना की। सत्र एक तरह से सदियों से चली आ रही आश्रम या मठ परंपरा की तरह ही होते हैं। सत्रों की एक खासियत ये है कि आराधना स्थल होने के बावजूद यहाँ मूर्ति पूजा नहीं, श्रीमद् भगवत गीता की पूजा की जाती है। हालांकि कुछ सत्रों में श्री कृष्ण और भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां रखी जाती हैं। असम में चूंकि अलग अलग जनजातीय समाज रहते थे, अलग अलग समुदाय के लोग थे, तो उनके बीच एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सत्रिया गीतों की रचना की, सत्रिया नाटक लिखे और उसके बाद कीर्तन उन्होंने लिखे, भजन लिखे। क्योंकि अच्छा, सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने एक और काम किया कि ये जो जातीय भावना को समाप्त करने के लिए, जो उधर देश के अन्य हिस्सों में जो काम कबीर कर रहे थे उसको उन्होंने किया कि सत्र में कोई मूर्ति नहीं होती है, गीता है, भागवत गीता है, उसकी वहाँ पर पूजा होती है। 15वीं शताब्दी में जब श्रीमंत शंकरदेव माजुली आए तो उनकी मुलाकात माधव देव से हुई, लेकिन ये मुलाकात सहज नहीं थी। कई दिनों तक इन दोनों के बीच शास्त्रार्थ होता रहा। इस अलौकिक मुलाकात को मणिकंचन संयोग कहते हैं। माजुली में ही उनकी मुलाकात, जो उनके सबसे बड़े शिष्य कहलाए माधव देव, उनके साथ हुई। और जिस जगह पर मुलाकात हुई तो वह कोई बहुत सहज मुलाकात नहीं थी। दोनों में काफ़ी बहस हुई है, कई दिनों तक उन दोनों के बीच
तर्कों का आदान प्रदान होता रहा और उसके बाद माधव देव ने शंकर देव को अपना गुरु मान लिया। उस जगह को जहाँ पर इन दोनों की मुलाकात हुई और बहस हुई उसको मणिकंचन बोलते हैं। और मणिकंचन असमिया संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और महत्वपूर्ण स्थान है। अमूमन सभी सत्रों में एक प्रार्थना घर यानी नाम घर होता है, जहां नाम यानी कीर्तन और धार्मिक आलोचनाएं होती हैं। कालांतर में जब माधव देव ने बरपीटा सत्र की स्थापना की तो दैनिक प्रार्थना, सेवा और धार्मिक चर्चाओं की परंपरा की भी शुरुआत हुई। एक दर्शन दिया अध्यात्म का, उसको शंकरी संस्कृति का नाम दिया गया। और शंकरी लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, वहाँ पंडित की ज़रूरत नहीं है, सब जाकर वहाँ पूजा कर सकते हैं, और इस तरह से जाति व्यवस्था टूटी। श्रीमंत शंकर देव ने असम को नई मानव संस्कृति दी जिसमें भेदभाव का कोई स्थान नहीं था। शंकरी धर्म में महिलाओं को भी समाज में विशेष सम्मान प्राप्त है। महिलाओं के लिए उन्होंने श्रीमंत शंकर देव ने बहुत बड़ा मर्यादा दिया है, उसको बहुत सम्मान दिया। इसलिए हमारे यहाँ अभी जो तिलक प्रथा है, दहेज दौरी, ये हमारे यहाँ नहीं। मौजूदा समय में माजुली समेत पूरे असम में 1000 से ज्यादा सत्र अस्तित्व में हैं। सत्रों के अलावा श्रीमंत शंकर देव के नाम से कई संगठन भी हैं जो सत्रीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम सभी की आस्था है। सत्र परंपरा को जिंदा रखते हैं और उसका विस्तार भी करते हैं। ये सभी सत्र आमतौर पर एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र होते हैं, हालांकि उन्हें चार अलग अलग क्रम में बांटा जा सकता है।